बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे मैं सर पकड़ के बैठा हूँ, इस टाइम पाकिस्तान का हर मिडिल क्लास हर गरीब बंदा ऐसे सर पकड़ के बैठा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई इस टाइम बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी गई है। ऐसी महंगाई आज से पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। पेट्रोल 332 रुपये पर जाके पहुँच चुका है। राशन की बात करूँ जो 8-10 हज़ार रुपये का आता था, वो आज 28,000-26,000 रुपये पहुँच चुका है। बात करता हूँ, चलो गरीब को छोड़ दो, जो 700-800 रुपये रोजाना की कमाने वाला है, 600-700 रुपये कमाने वाला है, उसकी बात ही नहीं करो। वो तो उसकी तो मौत हो गई है, वो तो बस अल्लाह उसका कैसा घर चला रहा है वो उसका अल्लाह जानता है। आम इसकी जो है ना कोई मिसाल या कोई उसकी बात ही नहीं कर सकते हम। मैं 32,000 हर जगह नहीं हुई है सैलरी, 32,000 कुछ कुछ जगह कराची में हुई है, बाकी 32,000 नहीं हुई, 25,000 सैलरी है। 32,000 वाली की बात करूँ, 32,000 वाला बंदा 330 रुपये का, 332 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है, एक दिन का लग रहा है उसके आने जाने का, सिर्फ ऑफिस से आने जाना कर रहा है, घर में इधर उधर बाइक नहीं चला रहा उसमें। 332 रुपये का कितना बन गया, 12,000 से 15,000 बन गया महीने का पेट्रोल, ये सिर्फ ऑफिस के आने जाने का, और कुछ काम करने जाने वो अलग है, ये सिर्फ आने जाने का। 32,000 सैलरी वाले का बता रहा हूँ, किराया घर का देना 10,000 रुपये मिनिमम, कहीं भी रहोगे 10,000 रुपये किराया है। गैस बिजली का बिल कितना आ रहा है, 80 गज से घर का, 2 पंखे, 8-6-7 एनर्जी सेवर, 12-12 वोल्ट वाले, कितना आ रहा है, 25,000 रुपये, 28,000 रुपये। मर गया है गरीब 32,000 में, उसके बाद बचा क्या, वो घर का राशन लाएगा, बच्चों की स्कूल की फीस देगा, बिजली का बिल भरेगा, या क्या करेगा मुझे बताओ आप। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं भाई, कोई सुनने वाला है, कोई पुरसाने हाल है, कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, अमीर को तो ये भी नहीं पता कि भाई टमाटर और आलू किलो में मिलते हैं या फिर दर्जन में दिए जाते हैं, ये भी नहीं पता। ये मिडिल क्लास और गरीब की बात कर रहा हूँ मैं, जो इस टाइम खत्म हो चुका है, उसके पास कोई चारा नहीं है, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। आपके सामने 332 रुपये एक दिन का पेट्रोल उसका लग रहा है, तो वो बचा क्या, बचाने को तो छोड़ दो, पूरा ही नहीं हो रहा है, कैसे, सामने सामने हिसाब है ना, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कोई छुपा के कहीं और से पैसे आ रहे हैं। 32,000 रुपये सैलरी है, 35,000 रुपये, 50,000 वाली की बात कर लेता हूँ। जैसे घर में दो से तीन बंदे काम कर रहे हैं ना, दो बेटे हैं, बाप है, तीनों की सैलरी मिला के 70-80 हज़ार रुपये बन रही है, फिर भी वो 25 से 30 हज़ार रुपये घर में मकरूज है, किसी और के मकरूज है, महीने पे नहीं पूरा हो सकता। 25 रुपये की तंदूर की रोटी कर दी है, जो 7-8 रुपये की रोटी थी, कहर और बस जो है ना कयामत इस टाइम हर बंदे पे गुजर रही है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पेट्रोल हो, जिनको हम लोगों ने वोट देते हैं, कोई बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है, क्यों बढ़ रहा है पेट्रोल का रेट, कोई रिलीफ देने वाला है आपको, कोई रिलीफ देने वाला नहीं है। आज जफर अब्बास JDC, मैं भाई किसी का हिमायती नहीं हूँ, ना मुझे किसी की तारीफ करने का शौक है। जो अच्छे काम करेगा उसकी तारीफ भी करेंगे, उसके लिए वीडियो भी बनाएंगे, उसके काम को सराहेंगे भी। जफर अब्बास JDC फाउंडेशन ने आज क्या किया है, पेट्रोल फ्री देना शुरू किया है, और ये एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट, और ये कोई उन्होंने बताया कोई जफर अब्बास साहब ने, कोई सदका, कोई ज़कात, कोई खैरात नहीं है। 1,000 रुपये का पेट्रोल, पर्ची आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे साइड में, रश आप देखो, आज फर्स्ट डे था जो कैंपेन स्टार्ट की इन्होंने फ्री पेट्रोल देने की, और एक प्रोटेस्ट है, कितना अच्छा प्रोटेस्ट है। 1,000 रुपये का पेट्रोल अगर एक बंदे को बाइक में मिल रहा है, और जगह नहीं बताई उन्होंने, सारे फसल में आज देना शुरू किया है, क्योंकि वहाँ भगदड़ मच सकती है, लोगों का रश हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा इस टाइम परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, मिडिल क्लास गरीब को तो छोड़ दो, पर बंदे को पेट्रोल ले रहे हैं 1,000 रुपये का इस टाइम, कितना 3 लीटर से ऊपर पेट्रोल बन रहा है 1,000 रुपये का, 2 से 3 दिन उसके सुकून से गुजरेंगे। मैं वही किसी को, मैंने आपको बताया मैं किसी का हिमायती नहीं हूँ, मुझे किसी की तारीफ करने का शौक नहीं है। आज उन्होंने काम किया, और उन्होंने कहा है ये काम अभी कैंपेन स्टार्ट की है, जिस जगह खड़े हो जाएंगे वहां 1,000,000-10,00,000 रुपए का पेट्रोल देंगे, 1,000 रुपए का पर बंदे को, पर्ची दी हुई JDC, और ये शाहिद उन्होंने बताया, बैरेट टाउन के कंट्री हेड शाहिद साहब ने, शाहिद कुरैशी साहब की तरफ से पेट्रोल दिया जा रहा है, और इसके अलावा बैरेट टाउन की टीम, बाकी जो उनकी टीम मेंबर्स है, ये जो है दूसरे पाकिस्तान के सिटीज में, ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल दिया जाएगा, और ये सबको पेट्रोल, आप सबको फ्री पेट्रोल मिलने वाला है। तो भाई ये जब कोई कोई अच्छा काम करे ना, कोई अच्छा चीज़ हो रही हो, तो उसकी तारीफ करो। मैं हर यूट्यूबर को अपने साथ जो भी है, जो भी यूट्यूबर है, सबको ये बोलूँगा, भाई जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करो, ठीक है, उसके लिए वीडियो भी बनाओ। तो मुझे कोई किसी का शौक नहीं है, आज दिया उन्होंने 1 मिलियन का पेट्रोल, अब ये ऑल ओवर पाकिस्तान गुड न्यूज़ मिल रही है, और ये उन्होंने बताया कोई सदका, कोई ज़कात, कोई खैरात नहीं दी जा रही, गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है, एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमारी आवाम कितनी परेशान है, उसको पेट्रोल तक के उसके पास पैसे नहीं है। भाई वी सैल्यूट जफर बस JDC, वी सैल्यूट यू। काम जो भी अच्छे करे, सैलाब हो पाकिस्तान में, सबसे आगे JDC खड़ी होती है, कोई भी काम हो, सैलानी, JDC, वेलफेयर ट्रस्ट,
भाई जिसको आप लोगों ने वोट दिए वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा कोई, क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा किसी के लिए, कोई नहीं आवाज उठाता, कोई नहीं है आवाम की सुनने वाला, गरीब आवाम की। जो जेडीसी ने आज स्टेप लिया, बहुत बेहतरीन स्टेप लिया जेडीसी ने आज, और आवाम को फ्री 1000 रुपए का पेट्रोल दिया गया। और शारे फैसल पे ये जो एयरपोर्ट की साइड आने वाला जो है ना, एयरपोर्ट की साइड पे वापसी आने वाला जो एयरपोर्ट के साइड पे रोड आ रहा है उस साइड पे, उस पंप पे आज जो है इन्होंने पेट्रोल दिया गया। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ आपके सामने, और कितना रश था वहां पे आज आपके सामने ही देख सकते हैं आप, आवाम कितनी परेशान है, आवाम रुल गई है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए, जो काम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है ये आपका काम है, आपको काम है रिलीफ देना कि इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से क्यों बिल भेज रही भाई, कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं हम, क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस दें भाई, जो यूनिट है उसके पैसे लो आप, एक्स्ट्रा चार्जेस किस चीज के ले रहे हो आप, कोई पूछने वाला है, कोई सुनने वाला है आपकी, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। तो मैं ये कहूंगा सारे यूट्यूबर्स को, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करो, जेडीसी ने जैसे आज इतना बेहतरीन काम किया, और किसी भी काम हो, खाना खिलाना हो लोगों को, राशन की बात हो, सैलाब हो, हर जगह जेडीसी और जितने भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खुली हुई है ये काम कर रही है। हुकूमत क्यों नहीं कोई काम कर रही है, जिनको आप वोट देते हो वो कहाँ है सब, वो कब सब कहाँ गायब हो जाते हैं, क्यों नहीं कोई रिलीफ दे रहा है भाई पेट्रोल पे, क्यों कोई नहीं बोल रहा भाई पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया है। लोगों की सैलरी आपके सामने है, आवाम मर चुकी है, कयामत आ चुकी है आवाम पे, कयामत से पहले आवाम पे महंगाई की सूरत में जो कयामत आई है इसकी कोई खुदादाद इसकी कोई सुनवाई करो, अल्लाह पाक से डरो और भाई इसके खिलाफ कुछ कमी पेशी करो, ताकि इसमें कमी करो कुछ, ताकि आवाम हमारी जिंदा रह सके। आवाम पे इतना बुरा वक्त नहीं लाओ कि उसको हर चीज से नफरत हो जाए, खाने पीने के लोगों के पास पैसे नहीं है, स्कूल तो फीसें तो छोड़ दो, मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा हिसाब बताया है आज। तो भाई वी सैल्यूट जेडीसी जफर अब्बास साहब, बहुत अच्छा काम किया आपने आज, और ये ऑल ओवर पाकिस्तान सबको ये जो है ना पेट्रोल मिलेगा भाई, बहुत बुरे हालात हैं मुल्क के, मतलब लोगों की जो हालात है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको जो मोटिवेट करता हूँ ना, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ और आपके लिए ऑनलाइन मेरे बस में जो है मैं वो कर सकता हूँ, जिसके जो बस में हो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने यूट्यूबर्स हैं कोई हुनर जानते हैं, कोई काम जानते हैं जो ऑनलाइन जो पार्ट टाइम में कोई कर सके, तो भाई वीडियो बना के उनके तो डालें, वीडियो बना के अपलोड करें, जो हमारे से हो सकता है, मेरे से जो हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस जो आसान स्टेप हो सकता है उस तरीके से आपको फ्री में बता रहा हूँ, जो मेरे बस में है मैं वही कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है कि मैं सस्ता ही कर दूँ, मेरे बस में नहीं है कि मैं पेट्रोल सस्ता कर दूँ, मेरे बस में होता तो मैं लाजमी करता, लेकिन मेरे बस में नहीं है, जो मेरे से हो सकता है मैं वो कर सकता हूँ, फ्री ऑनलाइन अर्निंग के आपको तरीके बता सकता हूँ और बताता रहूँगा। मोटिवेट जो मैं करता हूँ वो सिर्फ इसलिए करता हूँ आपको, ताकि आप हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत नहीं हारना, जिंदगी में हर चीज़ आती है, हर फेस आता है, फेस करना सीखो हर चीज़ को, हर मुश्किल को फेस करना सीखो, इंशाल्लाह आपके लिए और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मेथड और चीज़ें लेकर आता रहूँगा। बाकी आज की वीडियो सैल्यूट करना था जफर अब्बास साहब जेडीसी फाउंडेशन को, जो इतना अच्छा स्टेप सोचा आवाम के लिए, मतलब फल सस्ते करवाने हों कोई भी चीज़ हो जेडीसी सबसे आगे होती है। मैं किसी को हिमायती किसी का लाइक करने वाला नहीं हूँ, जो अच्छा काम करेगा ना उसको लाइक करेंगे और उसके लिए वीडियो बनाएंगे, वीडियो शेयर कर दीगा अच्छे लगे तो लाइक कर दीगा, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दें, फ्री पेट्रोल का सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह हाफिज़।